गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे थे हम एडजस्टमेंट, जिसमें हमने गुडविल का मीनिंग पढ़ा, इसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद इसके हमने फीचर्स पढ़े। अब हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इन द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। अब वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, ख्याति का मूल्य कब, यानी कि गुडविल का मूल्य कब कम होगा और कब ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स के ऊपर। जैसे पहला फैक्टर है व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब है कि अगर बिजनेस ऐसी जगह पर है जहाँ पर कस्टमर आसानी से आ जा सकते हैं, शहर के बीच में है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पर गुडविल की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। और अगर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर बिल्कुल सुनसान एरिया है, जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं है, भीड़ भड़ाके वाला एरिया नहीं है, तो वहाँ पर गुडविल की वैल्यू जो है वो कम होती है। सेकंड, प्रबंधकों की कुशलता, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर फर्म के मैनेजर जो होंगे, प्रबंधक जो होंगे, वो कुशल होंगे, एफिशिएंट होंगे, तो वहाँ पर गुडविल की वैल्यू अधिक होगी। और जहाँ पर मैनेजर एफिशिएंट नहीं होंगे, वहाँ पर गुडविल की वैल्यू जो है वो कम होगी। थर्ड, लाभों की प्रवृत्ति, ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट है लाभों की प्रवृत्ति, ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें ये देखना होता है कि अगर लाभ प्रॉफिट जो है वो कंपनी के बढ़ रहे हैं, उनका ट्रेंड जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, प्रवृत्ति हर साल बढ़ती जा रही है, लाभ हमेशा बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर गुडविल की वैल्यू जो है वो अधिक होगी। और जिन फर्मों के या कंपनियों के प्रॉफिट्स जो है डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, वहाँ पर गुडविल की वैल्यू जो है वो कम होती है। नेक्स्ट है लाइसेंस का होना, पोजेशंस ऑफ लाइसेंस। जिन फर्म या कंपनियों के पास लाइसेंस है, क्योंकि कुछ कंपनियां जो होती हैं वो ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं या सेल करती हैं जिनके लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है जिनका, उनको लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। जिन फर्मों के पास लाइसेंस है, उन फर्मों की गुडविल की वैल्यू जो है वो अधिक होती है, और जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, उनकी गुडविल की वैल्यू जो है वो कम होती है। नेक्स्ट है व्यवसाय की दीर्घकालीन अवधि, लॉन्गविटी ऑफ द बिजनेस। जो व्यवसाय काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, काफ़ी साल हो गए हैं जिस कंपनी को खुले हुए या जिस फर्म को खुले हुए, वहाँ पर गुडविल की वैल्यू अधिक होती है, क्योंकि उनके ग्राहक जो है वो ज़्यादा होते हैं, काफ़ी पुराने होते हैं और ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और जो नया नया बिजनेस स्थापित हुआ है, उसकी गुडविल की वैल्यू जो है वो कम होती है। और लास्ट पॉइंट है पूंजी की मात्रा, कैपिटल रिक्वायरमेंट। पूंजी की मात्रा का मतलब है अगर दो व्यवसाय सेम प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन एक में ज़्यादा कैपिटल लगी है और एक में कम कैपिटल लगी है, तो जिस बिजनेस की कम कैपिटल लगी हुई है, जहाँ पर उसकी गुडविल की वैल्यू जो है वो अधिक होगी, और जो ज़्यादा कैपिटल लगाकर भी सेम उतना ही प्रॉफिट कमा रहा है जितना कम कैपिटल वाली फर्म कमा रही है, तो उस फर्म की जो गुडविल है वो कम होती है। तो इस तरह से एटसेट्रा कर देते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप अगर चाहे तो लिख सकते हैं। अगर इतने पॉइंट भी आप याद कर लेंगे तो काफ़ी हैं, और ये काफ़ी ईजी है कि वैल्यू बतानी है आपने गुडविल की, कब कम होगी और कब अधिक होगी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको भी आपने नोट कर लेना है और सेंड भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।